और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। देखिए देखिए, जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत, और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाए, लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य वो देख पाए। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे ISBT संभव हो पाती, चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है, और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप और हम स्वयं गवाह हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए भी ग्वालियर बदल रहा है। और आपका जो सपना था, आपके सुझाव जो आते थे मेरे पास, आज उन पर साकार रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बदलता हुआ ग्वालियर के गवाह आप लोग भी स्वयं हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा आपको। कांग्रेस राजनीति कर रही है, पोस्टर लगाती है आपके खिलाफ। देखिए जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित है। और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की है और ना मैं करूँगा। उनको अपनी सोच सलामत, मुझे मेरी जनता का के प्रति मेरी भावना, मेरे भगवान के रूप में मेरी जनता है, उनके प्रति मेरा समर्पण, उसी के आधार पर मैं काम करूंगा जिस रास्ते पे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी चलते थे।